कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ एक का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है भाषा। तो चलिए अपना पाठ आरंभ करते हैं। भाषा क्या होती है? बच्चों, जब हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तो पहुंचाने का वह साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। चलिए समझाती हूं मैं आपको। मेहमान के आने पर प्रणाम करना भाषा है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप क्या कहते हैं? नमस्ते। माता के पास चुपचाप खड़े रहना भाषा नहीं है। आप अपनी मम्मी के पास चुपचाप खड़े हो गए, क्या वो भाषा है? नहीं, वो भाषा नहीं है। कक्षा में पुस्तक पढ़ना, जब आपकी मैडम आपको कक्षा में पुस्तक पढ़वाती है तो वो क्या है? वो भी भाषा है। बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपने विचार पहुंचाना तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझना भाषा कहलाता है। जब हम अपने मन की बात किसी को बोलकर या लिखकर समझा रहे हैं तो वो क्या है? वो भाषा है। भाषा को व्यक्त करना, अब हम अपनी भाषा को कैसे व्यक्त करते हैं? भाषा को व्यक्त करने के तीन अंग हैं। तीन तरह से हम भाषा को व्यक्त करते हैं, बोलना, लिखना, समझाना। तो हम अपनी बात या तो बोलकर या लिखकर या फिर समझाते हैं दूसरों को। तो ये क्या है? ये तीनों भाषा को व्यक्त करने के अंग है। बोलना, यहाँ भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है। जैसे आपको आपकी मम्मी से कोई चीज़ चाहिए, आप कहते ना मम्मी मुझे एक टॉफ़ी दे दो, तो आपने अपने मन की बात मम्मी को बोलकर बताई ना कि मम्मी मुझे एक टॉफ़ी दे दो, तो वो क्या है? भाषा का कौन सा रूप है? बोलना। पुत्र को माँ से खाना मांगना, बच्चा अपनी मम्मी से खाना मांग रहा है तो वो क्या है? बोलकर मांग रहा है, तो ये भी भाषा है। अन्य उदाहरण क्या है इसके? अध्यापिका का छात्र को कक्षा में बुलाना, आपकी मैडम आपको कहती है ना बच्चों अंदर आओ, तो ये भी क्या है? भाषा का बोलकर बताने का रूप है। लिखना, यह भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी अपने मन की बात लिखकर दूसरों तक पहुँचाई जाती है। जैसे छात्रा का कक्षा कार्य करना, माता का पत्र लिखना, ये क्या है? भाषा का लिखने का ढंग है। लिखकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। समझना, यहाँ भाषा के माध्यम से विचारों को समझा जा रहा है। माता द्वारा पुत्री को समझाना, जब आपकी मम्मी आपको कोई बात समझाती है या फिर कक्षा में अध्यापिका से पाठ समझना, जब आपकी मैडम आपको कक्षा में कोई पाठ बता रही है और उसको समझा रही है, तो वो भी क्या है? भाषा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से विचारों को बोला जाता है, लिखा जाता है तथा समझा जाता है। भाषा का प्रयोग, अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रयोग के बारे में। भाषा दो रूपों में प्रयोग की जाती है, मौखिक और लिखित। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब ओरल लैंग्वेज। जब भाषा का प्रयोग मुख से बोलकर होता है तब वह क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या है? जब भाषा का प्रयोग लिखकर किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भारतवर्ष की भाषाएं, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तमिल, असमिया आदि। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, तमिल के रहते हैं, केरला के। तो हर प्रदेश की अपनी अपनी एक अलग भाषा होती है। आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ पर सब क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं?
तमिल बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग में जो भाषा आती है वह हिंदी भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने भाषा के बारे में पढ़ा, तो चलिए अब देखते हैं आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न एक आप स्वयं करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न दो। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनकी सहायता से आपको जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। सबसे पहला है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और डैश भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक और लिखित। तो हम यहाँ लिखेंगे लिखित। लिखित भाषा में भाषा को डैश समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है? भाषा को लिखा जाता है। नंबर तीन, डैश हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अभी मैंने आपको बताया था हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो ग में आएगा हिंदी। जो कुछ बोला या लिखा जाता है वह डैश है। वो क्या है? वो भाषा है। जो भी हम बोलते हैं और लिखते हैं वह भाषा है। डैश में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। किसमें भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है? बोलने में। जब हम कोई बात बोलकर समझाते हैं तो हम यहां लिखेंगे बोलने में। प्रश्न तीन, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के लिए गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जो वाक्य सही हैं उन पर सही का निशान लगाना है और जो गलत है उन पर गलत का। सबसे पहला है, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। बिल्कुल सही है, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। चुपचाप खड़े रहना भाषा है? नहीं, चुपचाप खड़े रहना भाषा नहीं है। नंबर तीन, लिखित भाषा में भाषा को बोला जाता है, लिखित भाषा में भाषा को लिखा जाता है। तो यह वाक्य भी गलत है। तमिल हमारे देश की एक भाषा है। बिल्कुल सही है, हमारी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। नहीं, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। प्रश्न चार, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सुंदर चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाओ और उसमें रंग भी भरो। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाना है और उसमें सुंदर से रंग भरने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।